नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा घर में पूजा हो या घर को सजाना हो या फिर शादी हो, हम सभी कार्य में शुभ कार्य में फूलों का जरूर इस्तेमाल करते हैं। फूलों का हमारी जिंदगी में खुशबू के साथ साथ रंग का भी कुछ अलग महत्व होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि भगवान की हम जब पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा में भी हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं ताकि भगवान को खुश कर सके और उनका आशीर्वाद हम अपने जीवन में प्राप्त कर सके। लेकिन फूलों के हिसाब से भगवान के अनुसार फूलों का भी अलग महत्व होता है, जिस हर भगवान के अनुसार उन पर फूल भी अलग अलग प्रकार के ही चढ़ाए जाते हैं, चाहे वह गुड़हल हो या फिर गेंदा हो या फिर कमल का फूल। सभी तरह के फूल भगवान पर चढ़ाए जाते हैं क्योंकि वह फूल खुशबू के साथ साथ हमें एक पॉजिटिव एनर्जी भी देते हैं और भगवान को खुश भी करते हैं, जिससे हम अपने जीवन में उनका आशीर्वाद पाने की, अनुकंपा पाने की कोशिश करते रहते हैं। तो जानते हैं आज फूलों का महत्व हमारी जिंदगी में क्या रखता है। नंबर एक, गेंदा। आपने देखा होगा कि गेंदे के फूल ज्यादातर भगवान पर माला के रूप में चढ़ाया जाता है क्योंकि गेंदे के फूल पर मच्छर या कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, इसलिए गेंदे के फूल माला बनाकर भगवान के ऊपर चढ़ाई जाती है ताकि भगवान को खुशबू भी मिले, भगवान खुश रहे और उन पर कोई कीड़े मकोड़े ना आए। आपने अक्सर देखा होगा कि गेंदे के फूल को हम घर की सजावटों में भी यूज करते हैं। नंबर दो, गुड़हल। गुड़हल का फूल जो होता है वह भगवान गणेश और काली माँ को चढ़ाया जाता है। कहते हैं इससे घर में समृद्धि रहती है और खुशियाँ आती हैं। भगवान को इस फूल का चढ़ाने के लिए इस फूल से भगवान को खुश करते हैं क्योंकि इस गुड़हल के फूल में बहुत अच्छी धीमी सी महक आती है और यह फूल घर में होने से सुख समृद्धि भी लेकर आती है। गुड़हल के फूल को हम औषधि के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और इससे दुश्मन भी दूर रहते हैं। नंबर तीन, गुलाब के फूल। गुलाब के फूल की इतनी धीमी सी महक जो हमारे मन को और दिमाग को शांत रखती है और थकावट को भी दूर कर देती है। कहते हैं कि नए जीवन की शुरुआत भी गुलाब के फूल से ही करते हैं, इसलिए नई शादीशुदा दंपत्ति के बिस्तर पर भी हम गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर देते हैं ताकि उनके जीवन में कामो उत्तेजना हमेशा रहे। नंबर चार, कमल के फूल ब्रह्मा, विष्णु और सरस्वती और लक्ष्मी माँ को अर्पित किए जाते हैं। कहते हैं कि कमल के फूल हमेशा पंखुड़ियां बिखरी हुई इस तरह से होती हैं जो हमारे अंतर मन को खुश करती है और हमारे जीवन की अंतर तक की भूमिका निभाती हैं। इसलिए कहते हैं कि कमल के फूल हमारे अंतर मन को दर्शाते हैं। नंबर पाँच, चमेली के फूल। कहते हैं चमेली के फूल भगवान पर चढ़ते तो हैं, उसके साथ साथ गजरे भी बनाए जाते हैं जो स्त्रियां अपने बालों में सजाने के लिए लगाते हैं, और चमेली के फूल से इत्र भी बनता है जो कि हम इत्र इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे शरीर से इत्र की महक आए। और चमेली के फूल को तो किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, गजरे के रूप में, इत्र के रूप में और भगवान को भी अर्पित कर सकते हैं। तो ये थे वे कारण जिन कारण से हम फूलों को अपने जीवन में उतारते हैं यानी कि इस्तेमाल करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।